देखो, आज हम ना शॉपिंग के लिए आए हुए और हम सबसे, ये पूरा शॉपिंग सेंटर है, पूरा मॉल है और हम अभी सबसे ऊपर वाले जगह पर है, तो इतना अच्छा से अच्छा लग रहा है। हम ड्रिंक ले रहे हैं और नीचे भी बहुत सारे दुकान है, हर चीज़ जो चाहिए आपको इधर मिल जाती है। कराची का डोलमन मॉल होता है ना, वो ऐसे देखो, उधर खाने की जगह है और इधर कैफे, इधर भी और बुक्स की दुकान है और कपड़े बहुत सारे, परफ्यूम के भी होता है। सुशी की दुकान पर बैठे हुए और ये हम सुशी खाएंगे जिसके अंदर वो फिश होता है, और ये जो हिल रहा है ना, इस पर खाना आएगा और ये जो स्कैन करने के लिए इधर लिखा है उस पर आप खाना मंगा सकते हो, तो ये ना अच्छा लग रहा है। हमारा खाना आ गया है, वो ऐसा आता है। ये हमारा चिप्स है, रुक भी गया तो वीडियो पर ऐसे उठाते, सोया सॉस के साथ भी खा सकते। अभी घर आ गए वापस और ये हमारा क्यूकम्बर, सुबह से अम्मी देख रही है मेरी कि ओ दिल मैं तोड़ूं अभी, तो अभी टाइम मिल गया, अभी हम तोड़ने लगे और गिर गया। देखा माशाल्लाह से कितना लंबा, हमने पहले भी तोड़ा था, इतना मजे का बना था, माशाल्लाह से कितना बड़ा है। और एक इधर भी ये थोड़ा लंबा लग रहा है और थोड़ा सही से पका नहीं है, तो हम वो नहीं तोड़ेंगे। आज हम चने की दाल और भरे हुए करेले बनाएंगे, तो ये आधा किलो करेले हमारे पास, और इसके नीचे हमने चने भिगोए थे एक पाव, जो एक कप के बराबर होता है। चने की दाल भिगो दी थी, 2 घंटे हो गया, और अभी इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, ये सूखा धनिया पिसा हुआ, ये जीरा, ये सब कुछ आधी चम्मच, ठीक है, और ये कूटी हुई लाल मिर्च, ये हल्दी, ये पिसी हुई लाल मिर्च, और ये नमक हम इसके अंदर डाल देंगे, तो इसके अंदर टेस्ट आ जाए, और फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। जी चूल्हा ऑन कर दिया, मिडिल फ्लेम में, आधी फ्लेम, और अब इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने साइडों का खुरच लिया था इस चीज से, और फिर हमने मिडिल में लंबा सा कट किया था, अब इसके बीज ऐसे अंदर से निकालेंगे इसको करके, अब सारों को जो बाकी है वो उनको भी कर दिखाएंगे आखिर में। हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, तो फिर अब इसको 1 घंटे मस लेंगे भी, और फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इससे जो इसका करवाट होगा वो निकल जाएगा इधर इससे, और फिर खाने का भी दिल करेगा। हमने इन सारों को नमक से मसले और फिर नमक वाले पानी में डाल दिया, हमने अच्छे 10 मिनट बैठ कर गार्डन में हमने इनको मसले। अभी हम इसको जो अंदर से जो बच गया होएगा ग्रीन, अब उसको अच्छे से निकाल कर छानी में डाल देंगे, साथ साथ नमक भी निकल जाएगा। को अभी हम अच्छे से निचोड़ रहे हैं, तो जो नीचे उसका पानी सही से निकल जाए, लेकिन मेक श्योर करना कि आप ज़्यादा दम ना लगाओ तो टूट ना जाए, वो उसका ख्याल रखना, इसलिए फिर हम उसको धागे से बांधेंगे ना, आप फिर अगर टूट जाएगा तो वो निकल जाएगा, अगर धागे से फिर भी बांधो। अभी हमने 4 प्याज लिए, उनको आधा आधा काटा, अभी इस कूटने वाली चीज में हम इनको कूटेंगे और फिर इधर डालकर उसका वो जो निकला हुआ उसका पानी निचोड़ेंगे। इसका पानी निकल रहा है, आप रुई की मदद से अपने सर पर लगा सकते हो और बालों के लिए अच्छा ही है। अभी हमारी दाल पक गई थी, हमने इसको उबाल लिया, अब ये पूरा खरा खरा बना। अभी हमने 2 मिर्ची डाल दी, वो डाल देंगे, और ये जिसको जो बच गया था हम इसको सर्दियों में उगाएंगे, और ये हमने जो 4 प्याज डाले थे उसको कूट के निचोड़ कर फिर हमने इसमें डाल दिया, और वो हमने एक केरी भी कूटी थी 1 चम्मच, इसको कूटा था फिर इसके अंदर डाल दिया। हम टमाटर डाल सकते हैं लेकिन हम नहीं डालेंगे, इसलिए उसके पानी निकलता अच्छा नहीं होता। और फिर हमने अभी इधर ये धनिया डाल दिया इसके अंदर, और फिर अगर आपके पास ये केरी नहीं मिल रही है, ऐसे गर्मियों का टाइम है, तो आप इमली भी डाल सकते हो, ये केरी या इमली डाल सकते हो। इसलिए हमने क्वार्टर टी स्पून का हमने क्वार्टर उसका हम इसके अंदर डाल देंगे कलर के लिए, और ये 1 चम्मच धनिया उसका सूखा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी भी डाल देंगे, और इसका अच्छा भी कलर आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। हम इसको मिक्स कर देंगे, कच्चे मसाले के करेले बनाएंगे।
इसके अंदर आधा टीस्पून नमक भी डाल देंगे, इसलिए करेले में हमने नमक से धोए थे ना, तो अब उनमें कोई नमक और बिटरनेस नहीं है। हाफ टी स्पून गरम मसाला हमने इसको मिक्स, वो हमने पीसा था ना उसका पाउडर हमने गरम मसाले को डाल दिया। साथ में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया लो फ्लेम पे, बहुत सारा चाहिए होएगा तलने के लिए। और फिर हम इधर इन करेले को भर रहे हैं इनके अंदर, ये डालकर भर देंगे। और फिर वो धागे से उसको बांध देंगे, अभी धागा इधर कहीं था। इसको करेले को बांध दिया सही से, और फिर बाद में हम काट देंगे इसको खोलने के लिए। जो आखिर में हो गया, हमने घीरा लगा दिया फ्लेम के तेल में, आप हमने इसको डाल दिया, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसको हल्की आग पर करने देंगे। तो हमें हल्का हल्के से हलाना है, एकदम से नहीं, इसको छोटे थोड़े थोड़े एंगल्स पर हलाना है इसको, ऐसे देखें तो हर जगह से इवनली पके। जो रस्सी वाली जगह जहाँ पर खुला हुआ करेला, उसको सबसे ऊपर वाले में करना है, तो वो आखिर में जाकर नीचे होएगा। सरसों के तेल में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये थोड़ा सा मेरी अम्मी इसके अंदर भी डाल देगी, तो अच्छा टेस्ट आता है। कड़वाहट दूर करने के लिए हमने एक आटे की टिक्की डाल दी, तो उसके अंदर जो सारी कड़वाहट होगी वो उस आटे के अंदर चली जाएगी। हम अभी प्लेट से जा रहे हैं, क्योंकि एक साइड से इतना अच्छा कलर और पक भी गया, इस साइड से भी उस साइड से भी, हमारा ये बन गया, इतना अच्छा कलर आ गया माशाल्लाह से। और ये जो बाकी जो बचा हुआ है आपका, वो छोले नहीं, दाल, चने की दाल, अगर वो बच गया तो आप उसको भून कर उस बचे हुए कोई तेल में उसको भून के अब खा सकते हो। ऐसे आग पे इसलिए डाला हुआ तो अंदर से भी पक जाए, वरना अगर तेज आग हो तो सिर्फ बाहर से पकते और अंदर से बिल्कुल भी नहीं, सारा कच्चा रहे। वैसे दाल तो पकी हुई है, लेकिन जो मसाला है उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। आटे ने सारा चूस लिया उसका, करवा टिक्के से लाल हो गया। अभी हम करेले इसको इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जो जैतून का तेल और ये सरसों का तेल, आप नोटिस करना कि वो कभी भी नहीं जमता, बर्फबारी में सर्दियों में कभी नहीं जमता, ये बहुत अच्छा होता है। जैतून का तेल फिर भी थोड़ा महंगा होता है, तो सरसों का तेल में आप ज़रूर बना चीज़ें। अगली बार हम पकोड़े बनाएंगे, और इसके अंदर हम हमेशा करते थे पकोड़े इस तेल में बनाते थे, और अगली बार भी दिखाएंगे पकोड़े सरसों के तेल में। इधर एक मिर्च भी डाल दी तो वह खूबसूरत लगे। जो तेल था उसमें हमने टमाटर डाल दिया, और वो दाल हम इसको अंदर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसका धागा काटने वाली ये हो गया। अभी हम अंदर से, आप इसको रोटी के साथ खाएंगे और मजा लेंगे। ये अंदर से बहुत अच्छा पक गया है। इसके अंदर हम वो चने की दाल डाल देंगे।